तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको लेके आऊँ दोस्तों एक नई स्पेशल जगह में, हिडन लोकेशन में। दरअसल ये देहरादून में थानो विलेज है दोस्तों, काफ़ी सुंदर विलेज है थानो। अच्छा ठीक है, समझ गया। और दोस्तों और ये जो सुंदर सा काफ़ी सुंदर विलेज है और ये पहाड़ों के किनारे में बसा है दोस्तों, आपको दिखाऊंगा मैं इस थानो विलेज के दर्शन कराऊंगा दोस्तों, और बाकी यहाँ क्या क्या नज़ारा है दोस्तों देखने लायक। और दोस्तों यहाँ पर नीम करौली, आपने बाबा का नाम सुना होगा दोस्तों, यहाँ पर नीम करौली बाबा जी का मंदिर भी है दोस्तों, आपको वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो नीम करौली बाबा जी का मंदिर काफ़ी फेमस है दोस्तों, और एक तो इसका आप नीम करौली बाबा जी का मंदिर आपको दोस्तों एक मिल जाएगा कुमाऊँ में भवाली से ऊपर दोस्तों, और एक नीम करौली बाबा जी का मंदिर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मान्यता है नीम करौली बाबा जी की। बाकी दोस्तों अभी मैं आपको थानो गाँव का दर्शन कराता हूँ, काफ़ी सुंदर अच्छा विलेज है दोस्तों थानो। तो ये दरअसल दोस्तों पहाड़ों के किनारे में बसा हुआ है और इसके दोस्तों दूर दूर तक ज़्यादा आबादी नहीं है इस गाँव की, कम से कम इसमें 150 परिवार रहते होंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें दोस्तों परिवार वगैरह नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बसा है दोस्तों एकदम हिडन लोकेशन पर, यानी कि पहाड़ों के किनारों में बसा है दोस्तों। काफ़ी सुंदर विलेज है तो आप देख सकते हो। बाकी एक दोस्तों यहाँ पर आम का पेड़ भी था, चले तू ये आम का पेड़ दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर एक आम का पेड़ भी था। दरअसल मैंने इससे आम वगैरह खाए थे, अब यहाँ से इसमें दोस्तों आम वगैरह हो रहे थे ना, तो मैंने आम वगैरह खाए थे। तो दोस्तों आपको मैं ले जाता हूँ, अब इस आम वाले पेड़ में ले जाता हूँ दोस्तों, काफ़ी सुंदर पेड़ है दोस्तों। बाकी मैं आपको घुमाऊँगा इसी लोकेशन पर, आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ क्या क्या है वैसे घूमने लायक। तो आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों। बाकी आम दिखाऊंगा इसमें आपको, इसमें आम वगैरह भी हो रहे हैं दोस्तों। ये चल रहे दोस्तों आम के पेड़ के यहाँ पर, और इसमें दोस्तों मैं आपको आम दिखाता हूँ अब। यह काफ़ी सुंदर है, इसमें छोटे छोटे आम वगैरह लगे हैं। वैसे तो पहाड़ों के किनारों में तो आम के पेड़ मैंने देखे नहीं है दोस्तों, लेकिन ये पेड़ है इसमें काफ़ी, ये दिख रहे दोस्तों इसमें लगे हैं दोस्तों आम वगैरह, मैंगो जिसे आप कहते हैं मैंगो इंग्लिश में। यह दोस्तों इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से दोस्तों सही पकड़े हैं टेवे मैंगो, ये आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर मैंगो है। बाकी दोस्तों ये है इसका पेड़, इसमें बहुत ही मैंगो वगैरह लगे हैं, तो काफ़ी सुंदर है इसकी छाया भी और इसकी हवा भी दोस्तों, काफ़ी अच्छी हवा है आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों यहाँ से लेकर वहाँ तक का, काफ़ी सुंदर हिडन लोकेशन में है दोस्तों ये। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैंने तो देख ही लिया थानो गांव, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। बाकी मैं दोस्तों इस वक्त हूँ थानो गांव की लास्ट ऊंचाई में दोस्तों, मैं अब इससे ऊपर तो थानो गांव नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर पहाड़ स्टार्ट हो गया, काफ़ी सुंदर नज़ारा वगैरह है दोस्तों थानो गांव का, आप देख सकते हो चारों ओर से। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक नीम करौली बाबा जी का मंदिर भी है दोस्तों, तो मैं आपको नीम करौली बाबा जी का मंदिर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हो आप मेरे पीछे थाना शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दोस्तों थाना गांव का नज़ारा है। बाकी दोस्तों यहाँ आप आ सकते हो एकदम, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह तो नहीं, अगर आप शांत जगह में घूमना चाहते हैं दोस्तों देहरादून, आप घूम घूम के बोर हो गए भीड़ भाड़ वाली जगह में, या आप देहरादून में शहरों में रहते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा परेशान हैं, या कोई शांत जगह देख रहे हैं, तो दोस्तों आप दरअसल थानो गांव से घूम सकते हो। जो मसूरी साइड में भी विलेज है दोस्तों, वो मसूरी साइड में भी भीड़ भाड़ तो काफ़ी होती है, लेकिन इस वक्त जहां पर मैं हूं थानो गांव में दोस्तों, तो यहां ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, यहां दोस्तों आपको बहुत कम मिलेंगे लोग वगैरह, बाकी शांत एरिया है दोस्तों चारों ओर से। आप देख सकते हो मेरे पीछे थानो गांव का नज़ारा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और इस वक्त मैं दोस्तों ये पहाड़ी की चोटी पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से मैं आपको पूरा थानो गांव दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरा थानो गांव देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैं थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ आपको, बाकी मैंने बाइक तो अपनी पीछे छोड़ दी दोस्तों, अब चलते हूँ ऊपर की ओर को। धूप भी काफ़ी अच्छी आई है और यहाँ उतनी गर्मी भी नहीं हो रही दोस्तों, जितनी इस धूप से शहरों में गर्मी होती है ना, तो उतनी गर्मी नहीं हो रही है, मतलब ठीक ठाक है माहौल। बाकी मौसम तो दोस्तों वही गर्मी का है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं बट, लेकिन अच्छी जगह थानो
काफ़ी सुंदर जगह है। आपको लेके आऊँ दोस्तों, ये है दो रोड जा रही है थानो गाँव से, एक तो जा रही है इस साइड को दोस्तों, ये देख सकते हो आप, एक रोड जा रही है इस साइड को और एक रोड जा रही है पहाड़ की ओर को। ये भी दोनों विलेज में जा रही है शायद किसी, ये अलग विलेज में जा रही है और ये अलग विलेज में जा रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ से दोस्तों थानो गांव का नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आपको जगह जगह घर बने हुए मिलेंगे, शांत जगह दोस्तों, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। बाकी दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर एक रहने के लिए पहाड़ और मैदान वाली दोनों फील होगी दोस्तों। यहाँ पर आपको भावर का जैसा भी फील होगा दोस्तों और पहाड़ वाला सीन भी दे दोस्तों फील होगा। सब क्या देखना पड़ रहा है, क्योंकि दरअसल नीचे की साइड तो आपको पूरा मैदानी मैदान है दोस्तों, है पहाड़ में लेकिन मैदान है दोस्तों। आप देख सकते हो दूर दूर तक एकदम प्लेन है, जैसे पहाड़ों में सीढ़ीदार घर होते ना वैसे नहीं है दोस्तों। बाकी ऊपर की साइड को दोस्तों आपको पहाड़ मिलेगा, ऊपर की साइड को पहाड़ है। बाकी एक गदेरा जैसा दोस्तों ये भी यहाँ से नीचे वगैरह देखने लगे। बाकी मंदिर वगैरह भी दोस्तों इस साइड में ना, नेमपुरौली बाबा जी का मंदिर भी दोस्तों, मैं आपको वहाँ भी ले जाऊँगा घुमाने। तो काफ़ी सुंदर लोकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हो ये थानो गाँव काफ़ी सुंदर लोकेशन में आता है दोस्तों, ये थानो गाँव। प्रकार से दोस्तों थानो गाँव काफ़ी सुंदर गाँव है, आप देख सकते हो मेरे पीछे ठीक नज़ारा। दरअसल अभी मैं दोस्तों थानो गाँव के जो सबसे ऊपर पहाड़ के टॉप में है, अभी मैं उस वक्त वहाँ पर हूँ दोस्तों, और ये पहाड़ का टॉप में मैं इसलिए आऊँ ताकि यहाँ से ऊंचाई से दोस्तों नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है। और बाकी जो है नीचे का जो गांव वगैरह है, यहाँ से आप दोस्तों पूरा गांव देख सकते हो, ठीक मेरे पीछे दोस्तों आपको पूरा गांव मिलेगा देखने के लिए, काफ़ी सुंदर लोकेशन है दोस्तों। बाकी और ऊपर भी पहाड़ों में लोकेशन वगैरह में रोड वगैरह जा रही है दोस्तों, अगर आप और ऊपर पहाड़ों में ऊँचाई में जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, काफ़ी सुंदर लोकेशन है। बाकी ये लोकेशन दोस्तों ऐसी है ताकि यहाँ पर मतलब सुनसानी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, एकांत जगह है। यदि आप कुछ पिकनिक वगैरह करने की सोच रहे हैं और शांत जगह में दोस्तों तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सुंदर लोकेशन है। बाकी शांत तो है ही लेकिन उतनी भीड़ भाड़ नहीं है दोस्तों। यदि आप कुछ पिकनिक वगैरह के लिए सामान वगैरह लाना चाहते हो, सामान ला सकते हो नीचे मार्केट से, यहाँ पर नीचे मार्केट में आपको दोस्तों सब सामान मिल जाएगा, आप आ सकते हो कभी भी पिकनिक वगैरह बनाना है। बाकी ऐसी घूमने शांत जगह में जैसे माल देवताओं की दोस्तों, माल देवता भी ठीक जगह, थानो विलेज ऐसा है दोस्तों पहाड़ों में है, पहाड़ों में काफ़ी सुंदर है। बाकी पहाड़ों के दोस्तों नज़ारे वगैरह आपने देखे होंगे, काफ़ी सुंदर है पहाड़ों के नज़ारे यहाँ पर। बाकी दोस्तों आपको अभी मैं नीम करौली बाबा जी का जो मंदिर है, अगर हो सकेगा दोस्त मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको नीम करौली बाबा जी के मंदिर भी ले जाऊँगा और वहाँ के दर्शन भी कराऊँगा दोस्तों। बाकी जो भवाली में नीम करौली बाबा जी का मंदिर है, आपको वहाँ भी ले जाऊँगा किसी दिन। बाकी दोस्तों शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। ये दोस्तों यहाँ पर थानो गाँव का नज़ारा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, विलेज वगैरह बने हैं, ये रोड है दोस्तों यहाँ पर। दरअसल ये प्लॉटिंग भी बननी है दोस्तों, ये आप देख रहे हो ये प्लॉटिंग बननी है, एक ही रोड में प्लॉटिंग है, एक ही रोड में प्लॉटिंग है। यहाँ पर लोगों ने अपनी ज़मीन वगैरह बेच दी है, मतलब हाँ वैसे बेच दिए दोस्तों, प्लॉटिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। वैसे घर वगैरह बनेंगे, अभी दो गेट वगैरह लगे हैं, बाकी घर वगैरह बनेंगे तो काफ़ी सुंदर लोकेशन है। बाकी पेड़ भी है दोस्तों यहाँ पर ना, छाया में रुकने के लिए पेड़ वगैरह भी आप आराम से रुक सकते हो, बिना किसी टेंशन के आप यहाँ पर मौज कर सकते हो और शांत जगह है। बाकी यहाँ पर आपको दोस्तों एक जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही फीलिंग आएगी यहाँ पर से देखने के बाद आपको। और यहाँ से दोस्तों नीचे को रास्ता भी जा रहा है प्लॉट में जाने के लिए, यदि आप यहाँ से प्लॉट वगैरह में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अभी तो वैसे काफ़ी धूप हो रही है, नहीं तो दोस्तों मैं आपको नीचे प्लॉट वगैरह में भी ले जाता। धूप हो रही है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात और है दोस्तों, यहाँ पर आपको आम के पेड़ मिल जाएंगे। पहाड़ों में मैंने काफ़ी देखा दोस्तों, पहाड़ों में वैसे तो आम के पेड़ होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो है दोस्तों आम के पेड़ आपको काफ़ी मिल जाएंगे, ये जगह जगह आम के हो गया, लीची के हो गया दोस्तों, अखरोट के हो गया, इसी जगह जगह पेड़ वगैरह मिल जाएंगे, काफ़ी सुंदर। बाकी नज़ारा आपको दोस्तों आप देख सकते हो, इसके चारों ओर पहाड़ है, बाकी नीचे सुंदर विलेज है थानों,
काफ़ी अच्छा विलेज है दोस्तों थानों। बाकी थानों की मार्केट जो है दोस्तों, मार्केट भी काफ़ी अच्छी है। तो आप आना चाहते हैं दोस्तों थानों तो आ सकते हो। बाकी अगर आप दोस्तों अगर ऋषिकेश से आते हैं तो आप ऋषिकेश की साइड से आते हैं तो दोस्तों आपको पहले ऋषिकेश से होते हुए आना पड़ेगा जौली ग्रांड, जौली ग्रांड के बाद आना पड़ेगा दोस्तों आपको यहाँ थानों गांव में मिलेगा। एक तो जौली ग्रांड से नीचे डोई वालों को रास्ता जाते हैं दोस्तों, आपको उस रास्ते नहीं पाना आना, आपको सीधे जौली ग्रांड वाले रास्ते से होते हुए थानों गांव आना है। एकदम सीधा रास्ता है दोस्तों। यदि आप आते हो देहरादून से तो आपको रायपुर रोड लेनी है दोस्तों, रायपुर रोड, रायपुर रोड से दोस्तों आपको आना पड़ेगा। तो रायपुर रोड से आप आ सकते हो, रायपुर रोड से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों। तो आप दोनों साइड से आ सकते हो। बाकी अगर आप गूगल मैप में डालते हो तो थानों विलेज, तो दोस्तों आप थानों विलेज एकदम गूगल मैप से भी आ सकते हो। अगर आपको सबसे आसान में दोस्तों गूगल मैप से आ सकते हो, सबसे आसान थानों विलेज है। यदि आपने घूमना है देखना है तो काफ़ी अच्छी जगह है थानों विलेज दोस्तों। बाकी हो सकेगा तो मैं नीम करौली बाबा जी का मंदिर भी ले जाऊँगा दोस्तों आपको। बाकी अभी तो दोस्तों मैं आपको इसलिए ला क्योंकि मेरी यूट्यूब में वीडियो वगैरह भी बहुत टाइम से नहीं आ रही थी। बाकी एक शांत जगह मैं भी देख रहा था घूमने वाली जिसमें आप घूम सकते हो, काफी सुंदर नजारा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो दोस्तों आप कभी भी आ सकते हो थाने विलेज, तो काफी सुंदर लोकेशन है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो, शांत और सुंदर गाँव है दोस्तों। इसकी इस वीडियो में दोस्तों मैं इसका नाम रखूंगा, मतलब थंबनेल रखूँगा जो शांत और सुंदर गांव, और फिर थालो ठीक है दोस्तों, थानो ठीक है, थानो गांव में आपका स्वागत है। आप आओगे अभी भी काफ़ी अच्छी जगह। बाकी दोस्तों मैं और जगह भी ले जाऊँगा, अभी देखते हैं आपको कहाँ कहाँ घुमाता हूँ। अभी तो मैं कुछ टाइम बाद दोस्तों मैं आईफोन भी ले लूँगा, आईफोन देखते हैं या गोप्रो ले लूँगा, गोप्रो से क्वालिटी वगैरह भी बढ़िया आती दोस्तों, तो आपको इससे अच्छी क्वालिटी में भी मिलेगी वीडियो। ऐसा नहीं है दोस्तों इससे अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलेगी, इससे अच्छी क्वालिटी में भी मिलेगी वीडियो। बाकी देखते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ की देखते हैं कि और किस किस जगह जाता हूँ मैं। बाकी तो दोस्तों मैं वैसे घूमते रहता हूँ लेकिन आपको दोस्तों नई नई वीडियो दिखाते रहूँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हो सकेगा तो दोस्तों नीम करौली बाबा जी के मंदिर भी ले जाऊँगा अभी आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक राजू श्याम नहीं आते तब तक मस्त सो जाता हूँ, और बाद में उठ के बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। क्या भाई।